Hello everyone, welcome to Momentum IAS. Today we are here presenting the last in the series of places in news, and in this video we will cover the places from the rest of the world that were in the news from the past 1.5 years. So let's get started. Today we are covering the places from Asia, Europe and Antarctica which were in the news from the last 1.5 years. So moving ahead, so first news is about Orkney Island. It is situated in Atlantic Ocean in the northeast direction of Scotland. So what was the news? Orkney Island try kar raha tha ki wo United Kingdom se hat ke wo Norway ka autonomous region ban jaye, magar uske is move ko UK ne reject kar diya. अब बात करते हैं अगर यूके की, तो यूके क्या कंस्टिट्यूट करता है? यूके आपका स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आइलैंड, वेल्स और इंग्लैंड मिलके यूनाइटेड किंगडम्स बनाता है. नाउ मूविंग अहेड, द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट द यूक्रेन. अगर हम लास्ट ईयर देखें तो दो इम्पॉर्टेंट रीजन थे जो न्यूज़ में रहे हैं. एक आपका इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट थी, दूसरा था आपका यूक्रेन रशिया वॉर. यूक्रेन से आपसे आप यूपीएससी ने लास्ट ईयर में भी आपसे दो एक सवाल पूछे थे. इस साल भी यूक्रेन उतना ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से. इम्पॉर्टेंट प्लेसेस देखें, पहले तो यूक्रेन की बॉर्डरिंग कंट्रीज रिमेंबर करते हैं जो कि है रशिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा. ये इम्पॉर्टेंट बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं यूक्रेन के. जो अब यूक्रेन के इम्पॉर्टेंट प्लेसेस थे जो न्यूज़ में थे वो हैं बेलगोरोड सिटी, ये इस एरिया में पड़ता है, और ये रशिया का पार्ट है जहाँ पे यूक्रेन ने बॉम्ब गिराया था. फर्दर ये है बाखमुत एरिया, यहाँ पे इस लॉन्गेस्ट वॉर हुआ था यूक्रेन का. अब बात करते हैं डॉनबास रीजन की. डॉनबास रीजन इज रिच इन कोल रिजर्व्स, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मोस्ट एरिया है यूक्रेन का, और ये ईस्टर्न साइड में पड़ता है समवेयर हियर. अनदर इम्पॉर्टेंट एरिया इज नोवा खाकोविका डैम डिस्ट्रक्शन, ये आपका इस पॉइंट पे पड़ता है. यहाँ पे डैम था इसको, ये वॉर में जो कि डिस्ट्रॉय हो गया है. फर्दर इम्पॉर्टेंट रिवर इज़ नाइपर और नाइप्रो रिवर, ये आपकी इधर फ्लो करती है. अब बात करते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट एरिया इज़ अवदीवका सिटी जो कि यूक्रेन की है और रशिया ने कैप्चर कर ली थी. कुछ इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स जहाँ पे यूक्रेन ने अटैक किया वो है आपका एक नोवोरोसिस्क पोर्ट, और दूसरा है आपका फियोडोशिया पोर्ट. ये वाला पोर्ट आपका कर्च स्ट्रेट में है. कर्च स्ट्रेट है आपका ये वाला एरिया जो कि सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी को कनेक्ट करता है. तो पहला पोर्ट आपका इस एरिया में है, और दूसरा आपका फियोडोशिया पोर्ट है, वो आपका यहाँ पे लाई करता है. फर्दर जो एक कमर्शियल पोर्ट है यूक्रेन का जहाँ पे रशियन ड्रोन्स ने अटैक किया था वो है इस्माइल सी कमर्शियल पोर्ट. बात करें सुलीना चैनल की जो कि रोमानिया में है, वो डनूबे रिवर पे है. डनूबे इस इम्पॉर्टेंट रिवर जो कि सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप की आफ्टर वोल्गा. फर्दर कर्च स्ट्रेट हमने मैंने जैसे आपको बताया, एक क्रीमियन ब्रिज है जो कि आपका सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी को कनेक्ट करता है. नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्लेसेस और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एरिया दैट वॉज इन न्यूज वॉज नॉर्दर्न सी रूट. ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ आइस अब ये नॉर्दर्न सी रूट एक वाइबल ऑप्शन बन गया है कमर्शियल शिपमेंट्स के लिए, कमर्शियल ट्रांसफर्स के लिए. जो यूजुअली हम पहले जो रूट फॉलो करते थे वो वाया स्विस कैनाल था, रेड सी होके गल्फ ऑफ एडन, फिर इंडियन ओशन के थ्रू ये मलाक्का स्ट्रेट के थ्रू होते हुए आपका डिफरेंट एरियाज़ में जाता था. ये एक बहुत लेंदी रूट भी था, और इसके ही एक ऑल्टरनेटिव आया है जिसे हम नॉर्दर्न रूट के नाम से जानते हैं. अब ये क्या है, ये पहले सिर्फ 3 मंथ्स का ईयर ही ओपन रहता था, बट ड्यू टू इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग और आइस मेल्टिंग की वजह से ये अब ज़्यादा देर के लिए भी अवेलेबल हो जाएगा.
नदन सी रूट का क्या खासियत है कि ये आपका शिपमेंट है, जो कार्गो शिपमेंट्स है उसका टाइम बहुत कम, बहुत रिड्यूस कर देगा, नियरली अबाउट 2 वीक्स। और ये हमारे लिए वैसे ही बेनिफिशियल है क्योंकि एक प्रपोज्ड कॉरिडोर है, मैरीटाइम कॉरिडोर, जो कि व्लादिवोस्तोक को चेन्नई से कनेक्ट करता है। ये लास्ट ईयर न्यूज़ में भी था और इस पर और इस कॉरिडोर को डेवलप करने की बात कही गई थी दोनों कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स के द्वारा। फर्दर ये जो नदन सी रूट है ये आपका आर्कटिक ओशन के थ्रू होगा और इसके जो इम्पोर्टेंट जो सीज हैं वो हैं आपके बेरेंट सी, कारा सी, लाप्टेव सी एंड ईस्ट साइबेरियन सी। ये आपके एक ऑर्डर में ही हैं, आपको मैं नेक्स्ट पिक्चर में दिखाती हूँ। ये है आपका बेरेंट सी, ये कारा सी, ये लाप्टेव सी, ईस्ट साइबेरियन सी। अब जो ये रूट है ये आपका कारा स्ट्रेट से स्टार्ट होता है और ये आपका बेरिंग स्ट्रेट तक जाता है। बेरिंग स्ट्रेट वो स्ट्रेट है जो कि आपका यूएस अलास्का और ये चुकी पेनिनसुला को कनेक्ट करता है। फर्दर इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, जो कारा स्ट्रेट है वो आपका बेरेंट सी और कारा सी के बीच में है, नदन रशिया में। फर्दर इम्पॉर्टेंट एरिया इज़ मुरमांस्क और इट इज़ द लार्जेस्ट आइस फ्री पोर्ट इन रशिया एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कैपिटल ऑफ आर्कटिक रीजन। नाउ मूविंग अहेड, मुरमांस्क वॉज ऑल्सो इन न्यूज़। क्यों था न्यूज़ में? क्योंकि इंडिया का 35% ऑफ कार्गो था वो अकेले इस पोर्ट ने हैंडल किया था, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है। अभी मैं हम लोग ने इसके बारे में भी डिस्कस भी किया है। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एरिया इज़ आर्कटिक ओशन। अब आर्कटिक ओशन क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि जो हमारा इस बेस आर्कटिक बेस है जो कि है हिमाद्री, वो आपका राउंड द ईयर ऑफ ओपन रहेगा, वहाँ पे आप राउंड द ईयर आप रिसर्च कर सकते हो। पहले विंटर्स के टाइम पे ये क्लोज हो जाता था स्टेशन, अब इसकी अवेलेबिलिटी राउंड द ईयर है। तो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस, इम्पॉर्टेंट जियोग्राफिकल हैपनिंग्स जो भी हम अंटार्कटिका में भी कवर करते थे, अब वो आर्कटिक रीजन से भी इंफॉर्मेशन आएगी। नाउ अगर हम आर्कटिक की बात कर रहे हैं तो अंटार्कटिका के भी बेसिस की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट बेस वॉज दक्षिण गंगोत्री, नाउ इंडिया ने 1981 में सबसे पहले सदर्न एक्सपीडिशन शुरू किया था, उसके बाद अंटार्कटिक ट्रीटी का वो पार्ट बना, उसके बाद उसने दक्षिण गंगोत्री 1983 में स्टेशन सेट किया, उसके बाद मैत्री स्टेशन सेट किया जो कि 1989 में कमीशन हुआ। बट क्या हुआ कि दक्षिण गंगोत्री आधे से ज़्यादा आइस में सबमर्ज हो गया था, इसलिए इसको डीकमीशन कर दिया इन 1990। फर्दर एक और स्टेशन सेट किया अंटार्कटिका में जिसको कहते हैं भारती और इसको कमीशन किया 2012 में। ये इम्पॉर्टेंट कुछ स्टेशंस हैं जिसके बारे में एक थॉरो नॉलेज या रफ नॉलेज होनी ही चाहिए। नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रीजन इज आर्कटिक काउंसिल। आर्कटिक काउंसिल वो मेंबर्स बनाते हैं जो आर्कटिक ओशन को, नॉर्थ पोल को आपके कवर करते हैं। बेसिकली जो आपकी ये है मेंबर कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स, कैनेडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड रशिया। रशिया कॉन्स्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ एरिया इन द आर्कटिक काउंसिल और आर्कटिक रीजन। और ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि ड्यू टू रशियन यूक्रेन वॉर रशिया को एक तरीके से आइसोलेशन फेस करना पड़ रहा है और एक फॉर्मल ट्रांसफ़र ऑफ प्रेसिडेंटशिप थी इस काउंसिल की
जो कि पहले रशिया के पास थी, अब वो नॉर्वे के पास आ गई है। नाउ मूविंग अहेड, अनदर इम्पॉर्टेंट प्लेस दैट वॉज इन न्यूज़ इज लेक टिटिकाका। सो ये एरिया है और ये प्योरली आपका पेरू और बोलीविया से बॉर्डर्ड है। लेक टिटिकाका आपकी वर्ल्ड की हाईएस्ट नेविगेबल बॉडी है और ये ड्राई अप हो रही है, क्यों? ड्यू टू एल नीनो। और ये आपका एंडस माउंटेन में लोकेटेड है। नाउ मूविंग अहेड, जो आप यूपीएससी ने इस एरिया से पहले भी क्वेश्चंस पूछे हैं और ये एरिया अभी भी इम्पॉर्टेंट है, ये है साउथ चाइना सी। यहाँ पे चाइना और सर्टेन कंट्रीज़ जो कि साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट हैं, जो कि साउथ चाइना सी का पार्ट हैं, उनके बीच में डिस्प्यूट है रिगार्डिंग द टेरिटोरियल वाटर और उस एरिया के यूज़ का, प्लस जो आइलैंड्स पड़ते हैं उनके यूज़ का। चाइना एक अपने हिसाब से उसने एक कोई इमेजिनरी लाइन अज्यूम करी हुई है, जिसकी वजह से उसको कहता है वो 9-line, जिसके हिसाब से ये पूरा एरिया चाइना का पार्ट है और जो कि हाईली कंटेस्टेड है बिटवीन ताइवान, फिलीपींस, ब्रूनी, मलेशिया एंड वियतनाम। इसमें 3 इम्पॉर्टेंट आइलैंड्स भी है, पहले भी क्वेश्चन के पार्ट रहे हैं, जिसमें पार्सल आइलैंड, स्कारबोरो शोल्स, स्पार्टली आइलैंड्स। अब जो पार्सल आइलैंड्स हैं ये आपका चाइना, ताइवान और वियतनाम के बीच में कंटेस्टेड है। जो स्कारबोरो शोल है ये आपका चाइना, ताइवान, वियतनाम और फिलीपींस के बीच में कंटेस्टेड है। फर्दर जो स्पार्टली आइलैंड्स हैं ये आपका चाइना, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया और वियतनाम के बीच में कंटेस्टेड है। एक रफ आइडिया होना चाहिए कि साउथ चाइना सी में कौन कौन से आइलैंड्स पड़ते हैं और जिसके और कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में ये डिस्प्यूटेड है। नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज सिनकाकू आइलैंड। अगेन इट इज़ कंटेस्टेड बिटवीन चाइना एंड जापान इन ईस्ट चाइना सी। दीज आइलैंड्स आर लोकेटेड इन ईस्ट चाइना सी। डिस्प्यूट क्या है कि इस ये एरिया को कहते हैं, ये सिनकाकू आइलैंड कहता है जापान और इन आइलैंड्स को ये डायू आइलैंड्स कहता है चाइना। दोनों अपने अपने इस पर अपने अपने क्लेम्स जताते हैं और ये एक कंटेस्टेड रीजन है। फर्दर इस मैप के थ्रू आप ये देख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी यूपीएससी नॉर्थ टू साउथ लोकेशन पूछ लेता है, तो आप देखिए बीजिंग, टोक्यो, शंघाई की लोकेशन रिलेटिवली डिफरेंस है कि आप नॉर्थ टू साउथ आपको अरेंज करने में ईजी रहेगा। फर्दर मूविंग अहेड, किनमेन आइलैंड। किनमेन आइलैंड अगेन दे आर पार्ट ऑफ ताइवान। अब ताइवान इट्सेल्फ चाइना कहता है वो हमारा पार्ट है, ताइवान अपने आप को ऑटोनोमस समझता है, अपना अपने आप को सॉवरन समझता है, मगर चाइना कहता है कि ताइवान हमारा पार्ट है। तो किनमेन आइलैंड और ये मासू आइलैंड ये दोनों ही ताइवान के पार्ट है और ये चाइना इसमें भी कॉन्टेस्ट करता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज कुरिल आइलैंड। ये आपका रशिया और जापान के बीच में कंटेस्टेड है। फर्दर इसकी लोकेशन देखें तो इधर पड़ती है, ये रशिया का कामचटका प्लेटू है और ये जापान का होकाइडो आइलैंड है। इसके बीच में ये जो चेन ऑफ आइलैंड्स है इनको कहते हैं कुरिल आइलैंड्स। फर्दर ये जो कुरिल आइलैंड है वो ओखोत्स्क सी और पैसिफिक ओशन को सेपरेट करते हैं। नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज कांचिन रीजन इन बर्मा म्यांमार। नियरली 2 years और 3 years बैक म्यांमार में एक कूप हुआ था जहाँ पे आर्मी ने अपना रूल इस्टेब्लिश किया था और उसको कहते हैं मिलिट्री जनता रूल। अब वहाँ का रीज़न क्या है, ये है आपका राखिने स्टेट जो कि रोहिंग्यास का मेन स्टे था, इसको अराकन रीजन भी कहते हैं। और यहाँ पर उन्होंने अराकन आर्मी फॉर्म करी है जो कि आपकी जनता रूल से रेगुलरली इनका कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात करें तो जब यहाँ से रोहिंग्यास गए बांग्लादेश, तो ये कॉक्स बाज़ार है जहाँ पे बांग्लादेश ने इनको रिफ्यूजी सेटलमेंट्स बनाए और रिफ्यूजी एनक्लेव्स बनाई रोहिंग्यास को वहाँ रखने के लिए। फर्दर ये आपका सितवे पोर्ट है, ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है BRI के लिए भी
और इंडिया के लिए भी। फर्दर अब बात करें कि एक इन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम है ऑपरेशन 1027। इन्होंने लॉन्च किया था ये मिलिट्री जनता रूल के अगेंस्ट, इसको थ्री ब्रदरहुड अलायंस भी कहते हैं, क्योंकि ये एथनिक ग्रुप, तीन एथनिक ग्रुप है उनके ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सपोर्टेड है। पहला आपका है अराकन आर्मी, दूसरा है म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, और नेक्स्ट है तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी, और ये आपका है काची रीजन। ये भी न्यूज़ में था, ये आपका टॉप मोस्ट पार्ट है म्यांमार का। नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज A23A आइसबर्ग। ये अंटार्कटिका है और ये A23 आइसबर्ग है जो कि स्लोली स्लोली ड्रिफ्ट होना शुरू हो गया है। फर्दर एक साल पहले आपका थ्वेट्स ग्लेशियर भी था जो भी ड्रिफ्ट होना शुरू हो गया था। और कुछ इम्पॉर्टेंट एरियाज़ की बात करें या सीज की बात करें जो अंटार्कटिका को सराउंड करते हैं, वो है वेडल सी, एमन सी, ये रॉस आइस शेल्फ है और यहाँ पर रॉस सी भी है। सो दीस वर सम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ दैट वर इन द न्यूज़ फ्रॉम द लास्ट 1.5 ईयर्स। होपफुली यू हैव इन्जॉयड दिस वीडियो और आपको इसके थ्रू कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिली हो। नाउ मोर सच वीडियोज़ एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट यू कैन विजिट अवर वेबसाइट and our YouTube page. Thank you so much.